राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है पनीर के पकोड़े। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम से सॉफ्ट पकोड़ा बनाना बताऊंगी। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी तो होता ही है और सभी को बहुत पसंद भी आता है। तो चलिए मेरे साथ आज हम और आप मिलकर बनाते हैं पनीर के पकौड़े। तो पनीर के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन। बेसन में हमें कुछ मसाले ऐड करना है। उसमें मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच भर के अदरक और मिर्च कुटा हुआ, थोड़ी सी हींग, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वाद अनुसार। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका घोल तैयार कर लेना है। सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और बेसन के घोल को अभी 5 मिनट तक यहाँ पे आपको फेंट लेना है। जितना अच्छे से आप बेसन को घोलेंगे उतने ही सॉफ्ट यहाँ पे पकौड़े बनेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे और पानी ऐड करूँगी। अभी इसे भी मिक्स कर दीजिए। अभी इस तरह से चलाते हुए हमें 5 मिनट तक इसे फेंट लेना है। बेसन को फेंटते हुए मुझे यहाँ पे 5 मिनट हो गया है और देखिए यहाँ पे बेसन का घोल भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अभी हमें इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड करके रख देना है। तो चलिए अब हम पनीर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे इस तरह से कट कर लिया है। आप अपने मन चाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो चलिए पनीर को अभी हम थोड़ा मैरिनेट कर लेते हैं। तो पनीर के ऊपर मैंने अभी डाला थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, साथ में डाला थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा इसमें नमक। अभी हल्के हाथों से पनीर के ऊपर मसाले को हमें कोट कर देना है। अगर इस तरह से आप मसाले कोट कर देंगे तो पनीर आपको पकौड़े के अंदर खाने में सादा सादा सा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो देखिए सारे पनीर के ऊपर हमने मसालों की कोटिंग कर दी है और दोनों साइड में कोटिंग करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। तो चलिए अभी इसे भी ढककर हमें 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। अभी पकौड़े बनाया है तो उसके लिए चलिए चटनी भी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश हरा धनिया, मिर्च और अदरक और 1 या भुना हुआ चना दाल। साथ में गया 1 मीडियम साइज का टमाटर, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वादानुसार और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है भुना हुआ जीरा, 1/2 नींबू का रस और 2 टुकड़ा यहाँ पे आइस का। आज चटनी बनाने टाइम हमने लहसुन का यूज नहीं किया है। अभी इन सभी को पीस लीजिए। तो चटनी भी देखिए बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी चटनी को ढककर साइड में रख दीजिए। तो चलिए अभी 10 मिनट हो भी गया है तो बेसन की तरफ चलते हैं। तो बेसन में अभी हमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, एकदम थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल नहीं डालना है। और साथ में मैंने डाल दिया यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच पानी। अभी इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। बेकिंग पाउडर डालने से यहाँ पे पकौड़े फूले फूले से बनेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। बस इस तरह से एक पनीर का टुकड़ा लीजिए और इसे चारों साइड से बेसन के घोल में कोट कर लीजिए। अभी तेल यहाँ पे ज़्यादा एकदम से गर्म रहेगा तो पकौड़े एकदम से लाल हो जाएगा। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखना है। एक बार में जितने पकौड़े तेल में आए उतना ही पकौड़े तेल में डाल दीजिए। अभी उलटते पलटते हमें इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी पकौड़े अगर इस तरह से चिपक जाते हैं एक दूसरे में तो कोई बात नहीं, आप इसे तेल के ही अंदर इस तरह से अलग कर लीजिए। अभी पनीर के पकौड़े देखिए यहाँ पे गोल्डन कलर का हो गया है तो बस हम इसे अभी बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे पनीर के पकौड़े को फ्राई करके निकाल लीजिए। एलो जी, हमारा यमी टेस्टी पनीर के पकौड़े यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। साथ में मैंने थोड़े से हरी मिर्च को भी बेसन के घोल में डिप करके तेल में फ्राई कर लिया है।
पनीर के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बने हैं, पर जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको यकीन कैसे होगा। तो बस इस तरह से बनाइए, और कैसा बना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आज की रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।